आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली, हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूं संदर्शिका। आज की मीठी बात जुड़ी है झारखंड से, जहां दो किसानों का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है। 1 मार्च को दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की ओर से इन दोनों किसानों को कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन किसानों के नाम मीनू महतो और बीना उरांव हैं। मीनू महतो झारखंड में कृषि के लिए एक जाना माना नाम है। कृषि से जुड़ा हर कोई उनके बारे में जानता है। उन्होंने कृषि के जरिए एक लंबा सफर तय किया है। हजारीबाग जिले के रहने वाले मीनू महतो अपनी उन्नत कृषि तकनीक के लिए किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। मीनू महतो ने अपने सफर के बारे में किसान तक से बातचीत की। उन्होंने बताया कि उनका बचपन काफी गरीबी में बीता था। पिताजी खेती करते थे पर उन्नत कृषि की जानकारी नहीं थी, इसके कारण अच्छी उपज नहीं हो पाती थी और अच्छी कमाई भी नहीं हो पाती थी। किसी तरह उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की और फिर इंटर में एडमिशन कराया। उन्होंने कहा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, ये कहावत उनकी जीवन में भी हुई। अपने जीवन में खेती के प्रति झुकाव के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब वो इंटर में थे तब उन्होंने हरित क्रांति के बारे में पढ़ा, वहीं से उनके जीवन में बदलाव की शुरुआत हुई। मीनू महतो खास तौर से धान, गेहूं, मकई, अरहर, चना, मसूर, मूंग, राई, सरसों और सब्जी में प्याज, फूलगोभी, पत्ता गोभी और मटर के अलावा कई सब्जियों की खेती करते हैं। मीनू महतो बताते हैं कि जब उन्होंने रेडियो में दी जानकारी को खेतों में आजमाया तब खेतों में उत्पादन 4 गुना बढ़ गया। जहां पहले 100 किलो का उत्पादन होता था वहां अब 400 किलो का उत्पादन होने लगा। तो ये थी झारखंड के सफल किसान की कहानी। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास पॉडकास्ट गुड़ की डली।